आईपीएल 2021 की चैंपियन बनने के लिए चेन्नई सुपर किंग इस सीजन में पूरी ताकत लगा देगी। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग इस सीजन में मजबूत इरादे के साथ उतरेगी। चेन्नई की टीम पिछले साल आईपीएल के इतिहास में पहली बार प्लेऑफ में पहुंचने में नाकाम रही थी। इस बार चेन्नई की टीम में सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी, ट्वेंट ब्रावो, अंबाती रायडू और इमरान ताहिर जैसे खिलाड़ी शामिल होंगे। चेन्नई ने सीजन के लिए कुछ नए चेहरों को भी जगह दी है। पिछले सीजन में पावर प्ले में रन नहीं बना पाना और मिडिल ऑर्डर का नहीं चलना चेन्नई का फ्लॉप प्रदर्शन का अहम कारण रहा था। पिछले साल रैना आईपीएल में नहीं खेले थे, लेकिन इस सीजन में उनके वापस आने से टीम के बल्लेबाजी क्रम को मजबूती मिलेगी। दरअसल आपको बता दें कि चेन्नई ने इस साल इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली को 7 करोड़ रुपए में खरीदा है। इसके अलावा उसके पास ऋतुराज गायकवाड़ भी है। मोइन अली ने इंग्लैंड के लिए T20 में अच्छा प्रदर्शन किया है। गायकवाड़ ने पिछले सीजन में लगातार अर्धशतक जड़े थे और उम्मीद है कि वो इस बार भी चेन्नई के लिए ओपनिंग बल्लेबाजी के तौर पर उतरेंगे। चेन्नई के पास फाफ डुप्लेसी के रूप में एक और बल्लेबाज मौजूद है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि चेन्नई के लिए शीर्ष क्रम में उनके और मोइन के बीच किसे चुना जाता है। चेन्नई मैनेजमेंट के लिए कुछ खिलाड़ियों का लंबे समय बाद खेलना चुनौती साबित हो सकता है। रैना आईपीएल में आखिरी बार 2019 में खेले थे, हालांकि वो हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेले थे, जहां उन्होंने 5 मैचों में 102 रन बनाए थे। वहीं पिछले साल आईपीएल के बाद धोनी ने भी क्रिकेट नहीं खेला है, जबकि टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा इस साल जनवरी में ऑस्ट्रेलिया दौरे में चोटिल होने के बाद अब तक नहीं खेले हैं। चेन्नई की टीम में सैम करन मिडिल ऑर्डर के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस साल लगातार क्रिकेट खेला है। इमरान के अलावा मोइन के होने से चेन्नई के पास स्पिन विभाग में विकल्प मौजूद है। ब्रावो दैतोबर के लिए फिट बैठते हैं, जबकि करन को भी मौका मिल सकता है। इसके अलावा शार्दुल भी चेन्नई के गेंदबाजी आक्रमण को गति दे सकते हैं। खैर, आपको क्या लगता है, हमारे कमेंट बॉक्स पर अपने सुझाव जरूर रखें।